नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुजरात की महीसागर नदी को प्रदूषित करने का मामला सामने आया है। खेड़ा जिले के वनाग बोरी थर्मल के अधिकारियों द्वारा कुनी के पास से गुजरने वाली महीसागर नदी में कॉलोनी निवासियों के मानव मल और प्रदूषित पानी को छोड़े जाने की घटना को अन्य निजी चैनलों में प्रकाशित होती रही है और खबर जनता के लिए जारी कर दी गई है। नडियाद के जीपीसीबी टीम ने स्वयं दूषित पानी छोड़े जाने की जांच की और इस जांच के दौरान जीपीसीबी को कई बार महीसागर नदी में दूषित पानी छोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन चोर ने कोतवाल से शिकायत की कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार चोर चोरी करता है, चोर कभी चोरी नहीं करता, मानो चीफ इंजीनियर को एक खतरनाक बांध बना रहा हो। गुजरात कस्टम्स नोटिस भेजकर संतुष्ट हो जाता है। कल सुबह करीब 10:20 पे गांधीनगर और नडियाद की संयुक्त टीम कुड़ी के पास से गुजर रही महीसागर नदी पर पहुंची। वही बारिश के कारण वे वहां नहीं पहुंच सके और पानी के सैंपल नहीं लिए गए। बिजली का दौरा कर टीम वापस लौट आई। जीपीसीबी और जीपीसीबी के बीच प्लांट जीपीसीबी टीम के साथ गुजरात साउथ की टीम भी थी। ठीक 30 मिनट बाद गुजरात पुलिस की टीम को वनाग बोरी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही रोक दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि प्री प्लानिंग से जीपीसीबी की टीम जो सरकारी एजेंसी की मेहमान है यानी वनाग बोरी थर्मल लाती है या नहीं, सच्चाई सामने लाए, क्या दूसरों के एकत्र होने से जनता को कुछ अलग पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए 2024 न्यूज के साथ।